दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 28 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में शराबबंदी की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग फिर से उठने लगी है। ये मांग बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान ने उठाया है। संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की जरूरत बन चुका है। अगर सरकार कानून नहीं बनाती है तो फिर एक ना एक दिन यूएन जैसी संस्था को ऐसा करना पड़ेगा। संजय पासवान ने कहा है कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और इस पर हमें जल्द से जल्द सोचने की जरूरत है। बीजेपी एमएलसी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि कुमार ने बिहार में वह काम किया है जो दूसरे राज्य नहीं कर पाए हैं। जहां बिहार में अगर शराबबंदी कानून लागू किया गया है तो इससे फायदा पहुंचा है। अब इसी तर्ज पर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की जरूरत है। यह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जेडीयू की आपत्ति को लेकर पूछे जाने पर संजय पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार भी सैद्धांतिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर हैं। जहां वह जन जागृति की बात कर रहे हैं। संजय पासवान ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बिहार में लागू होता है तो इससे विकास होगा। दोस्तों सरकारी स्कूलों में आईएएस आईपीएस बिहार प्रशासन के सेवा श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बिहार सरकार ने इसकी खोज शुरू कर दी है। यह दरअसल बिहार के मुख्य सचिव 4 अगस्त को सभी 38 जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक करके इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। जी बिहार में सरकारी शिक्षा और व्यवस्था की दूरदर्शा को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके उपाध्याय ने बिहार सरकार को यह बताने के लिए कहा कि कितने आईएएस आईपीएस और अन्य बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की दशा तभी सुधरेगी जब अधिकारियों के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों का भी यह तर्क है कि अगर बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्थिति में अपने आप बदलाव आएगी। दोस्तों छपरा से मंगलवार की सुबह एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। यहां दरियापुर थाना क्षेत्र के सदवारा में रात को मछली खाकर सोए एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में पिता पुत्र और भतीजा शामिल है। बताया जा रहा है कि इस परिवार में रात के खाने में मछली बड़ी थी। भोजन के बाद परिवार के सदस्य सोने चले गए लेकिन कुछ देर बाद उनकी हालात बिगड़ने लगी। परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते इससे पहले ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से बीमार घर के मुखिया को आनंद फानन में पीएमसीएच ले जाया गया लेकिन उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह उनकी जान चली गई। दोस्तों सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बायकॉट करने के बाद मंत्री मुकेश सहनी ने खरी खरी सुनाई थी लेकिन एनडीए में विरोध का बिगुल बजाने के बाद मुकेश सहनी अब खुद फंस गए हैं। मुकेश सहनी के फैसले का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। वीआईपी के विधायक राजू कुमार सिंह ने मुकेश सहनी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां राजू कुमार सिंह का कहना है कि मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होकर गलत फैसला किया है। इतना ही नहीं राजू कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने इस फैसले के पहले विधायकों के साथ कोई चर्चा भी नहीं की। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर स्विस बैंक वाले बयान को लेकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि हर खाते में रुपया 15 लाख की तरह नोटबंदी काला धन भी जुमले थे। केंद्र सरकार को पता नहीं, जनता को सब पता है। दरअसल केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने लोकसभा में सोमवार को बताया था कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में कितना काला धन रखा गया है और इसके बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। सरकार के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने आज हमला बोला है। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTS ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को तकरीबन ऑनलाइन कर दिया है। कोरोना काल में RTO की ज्यादातर सेवाएं पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी है। इसके बावजूद भी गांव देहात में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता है और वे दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में अब पंचायत भवनों में ही जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जन सुविधा केंद्र में ही अब ड्राइविंग लाइसेंस, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन का काम मामूली फीस के साथ होगा।
जी हां, इसके साथ ही जन सुविधा केंद्र पर अब आप गाड़ी से संबंधित कोई भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हां, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है या फिर स्लॉट बुक कराना है तो आप जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि देश के हर RTO में कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन ही कर दिया गया है। जी हां, परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और RC बनवाने के लिए लोगों को अब आना ना पड़े। जी हां, घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले। ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को RTO आना होगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। जी, उन्होंने भगवा पहन लिया है और मथुरा में कथावाचक बनकर कथा सुना रहे हैं। जी, वे अब एक कथावाचक हैं जो चैतन्य बिहार के प्राशर पीठ में वर्धमान में 7 दिनों तक भगवत कथा का पाठ करते हैं। जी, ये 7 दिवसीय श्रृंखला रविवार को शुरू हुई है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। प्रसिद्ध कथावाचक श्याम सुंदर पड़ासरा ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे ने 1 साल तक भगवत का अध्ययन किया और फिर कथा वाचक के रूप में योग्यता प्राप्त की है। जहां वे रोजाना 3 घंटे प्रवचन देते हैं जिसे बाद में धार्मिक के चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने मंगलवार को संसद को सूचित किया है कि उसे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के लिए नए नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। यह मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान में समिति को 9 जनवरी 2022 तक का समय देने को कहा है। आपको बता दूं कि पिछले करीब 20 महीने से CAA के नियम बनाने का काम चल रहा है। यह CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। इन 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंचे इन समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को कानून को अपनी सहमति दे दी है। जहां CAA को लागू किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों और कई समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहां कुछ मुस्लिम संगठनों का दावा है कि सरकार का ये कानून मुस्लिम विरोधी है। जी हां, इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। CAA के विरोधियों का मानना है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC अभ्यास के साथ मिलकर कानून का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों को लक्षित करना है। दोस्तों, जिस एम्बुलेंस को देखते ही लोग रास्ता छोड़कर साइड में हो जाते हैं, उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल आजकल शराब माफियों के द्वारा बिहार में शराब तस्करी के लिए किया जा रहा है। जी हां, शराब माफिया पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहा है ताकि पुलिस को चकमा देकर शराब की खेप आसानी से बिना किसी रुकावट के पहुंचा जा सके। वही दूसरी तरफ रुकावट आए तो होटल का इस्तेमाल करके भीड़ से आसानी से निकल सके। यह ताजा मामला किशनगंज जिले की बहादुरगंज थाने की है, जहां बहादुरगंज थाना पुलिस ने LRP चौक के पास एक एम्बुलेंस में छापेमारी करके 270 लीटर शराब के साथ 2 शराब माफियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। पुलिस को चकमा देने के लिए बंगाल के दालकोला से शराब की खेप एम्बुलेंस में छिपाकर किशनगंज के रास्ते मधेपुरा ले जा रही थी। इस बीच सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर एम्बुलेंस में छापेमारी करके शराब की बोतलों के साथ दोनों शराब माफियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यह दोनों गिरफ्तार तस्कर सुपौल की निर्मली थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार निवासी रवि प्रकाश और मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के सोनू कुमार है। जब पुलिस ने गिरफ्तार दोनों शराब माफियों से पूछताछ में और भी कई राज उगलवाए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की आगामी बैठकों में विपक्ष शामिल नहीं होगा। यह बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कल विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मसले पर अपनी बात रखते हुए सदन में विशेष चर्चा की मांग रखी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर लिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई थी। लंच के पहले और फिर उसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा भी शुरू किया। विधानसभा की कार्यवाही जब लंच के बाद दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी विधायक वेल में आ गए और उन्होंने जोरदार हंगामा करते हुए वर्कआउट कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज 28 जुलाई से मानसून सत्र की बैठक में महागठबंधन के विधायक शामिल नहीं होंगे। बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पूरे सत्र के लिए विपक्ष ने वर्कआउट की घोषणा कर दी हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने आज जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। हम चाहते हैं कि विधायकों की के मसले पर सदन में चर्चा हो। यह चर्चा होने से यह बात भी साफ होगी कि पूरे मामले में किसकी गलती थी, लेकिन सरकार जिम
जिम्मेदारी से भाग रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बनकर रह गए हैं। सरकार के इशारे पर उन्होंने सदन में विधायकों की पिटाई के मुद्दे पर चर्चा होने नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उस सदन का क्या मतलब है जहां पराई कमाई दवाई और महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वैसे सदन में जाने का क्या मतलब है जिसे कुछ लोग अपनी जागीर समझकर बैठे हैं। हमने फैसला किया है कि मॉनसून सत्र के कार्रवाई में आगे महागठबंधन का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सदन में चर्चा होती है तो हम जाएंगे या फिर कार्य मंत्रण समिति की बैठक होती है तो उसमें शामिल होंगे। दोस्तों, नेपाल में रविवार की देर रात से हो रही तेज बारिश से बिहार से गुजरने वाली गंडक और बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। जहां वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से सोमवार सुबह में 1,22,000 और दोपहर में 1,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जहां मंगलवार को भी जलग्रहण क्षेत्र में अधिक बारिश होने की संभावना को देखते हुए नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। जल संसाधन विभाग ने मंगलवार से बागमती और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अंदाज निराला है। जी हां, उसका एक अंदाज भी आप जान लीजिए, उन्होंने खुद को सेकेंड लालू घोषित कर दिया है। जी हां, इसके प्रचार प्रसार के लिए एक फेसबुक पेज भी बनाया है। जी हां, उन्होंने सौरभ शर्मा द्वारा बनाए गए इस पेज को लाइक करने वालों को तेज प्रताप यादव ने धन्यवाद भी दिया है। जी हां, इसे लेकर उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हां, अपने वीडियो में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि मेरा पूरा अंदाज लालू प्रसाद यादव की तरह ही है, यानी कि अपने तारीफ अपने ही मुंह से। इसके बाद सेकंड लालू तेज प्रताप यादव का फेसबुक पेज बनाया गया है। दोस्तों, बिहार में 72% खेतों में नाइट्रोजन की कमी है। यूरिया का बेहिसाब इस्तेमाल से खेतों को खराब कर रहा है। आपको बता दूं कि मिट्टी के तीन प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जहां बिहार के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए मिट्टी के करीब 8,00,000 नमूनों की जांच रिपोर्ट बताती है कि यहां के खेतों में नाइट्रोजन की जबरदस्त कमी है। औसतन 100 नमूनों में से 72 में नाइट्रोजन की मात्रा मानक से भी कम है, जबकि 12 नमूनों में पोटाश और 11 में फास्फोरस की कमी है। जाहिर है फास्फोरस और पोटाश की ज्यादा कमी नहीं है। जी हां, बिहार के किसानों को संभलने और फिर मिट्टी के सेहत को ठीक रखने की जरूरत है। जी हां, सीमांचल के एक किसान का भी यही कहना है कि अत्यधिक फसल के लालच में यूरिया का इस्तेमाल बेहिसाब किया जा रहा है। जी हां, ये नहीं देखा जा रहा है कि मिट्टी को किस पोषक तत्व की जरूरत है और हम दे क्या रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि उर्वरकों का इस्तेमाल बेधड़क नहीं करना चाहिए। जी हां, सस्ते के चक्कर में सभी खेतों में आंख बंद करके यूरिया डालना ठीक नहीं है। अगर आप भी अपने खेतों में आंख बंद करके यूरिया डालते हैं, यानी कि हर फसल में आप यूरिया डालते हैं, तो फिर संभल जाइए। जहां अपने खेत के अनुसार आप यूरिया और भी दूसरे कीटनाशक पदार्थ डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार में डॉक्टरों की कमी का मामला कल एक बार फिर से सदन के अंदर उठा। विधान परिषद में प्रश्न उत्तर काल के दौरान बीजेपी के सदस्य संजय मयूख ने यह सवाल उठाया। जहां संजय मयूख ने जानना चाहे कि सरकार आखिर डॉक्टरों की कमी कब दूर कर लेगी। जहां जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने यह बताया है कि डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही ये पूरी हो जाएगी बिहार में लगभग 6,000 के आसपास में डॉक्टर मिल जाएंगे। जी, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर सदन में जब चर्चा हो रही थी तो फिर प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मसला उठाते हुए कई सवाल खड़े किए। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान गई है और बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। जहां प्रेमचंद्र मिश्रा के इस आरोप पर मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बताया है कि बिहार के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई है। जहां मंगल पांडे ने कहा कि महामारी के दौर में हमने जो भी संभव था उसमें बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और हां, ऑक्सीजन की कमी से बिहार में किसी की जान नहीं गई है। यह कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। दोस्तों, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायत के बाद अररिया जिला के 2 प्रखंडों के 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मेगा सूची में अनियमितता को देखते हुए अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिस कारण 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए पंचायतों में जोकीहाट प्रखंड का 1 पंचायत और हरदार और प्लासी प्रखंड के 8 पंचायत शामिल है।
दोस्तों बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र परसों ही शुरू हो चुका है। जहां मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन भी महागठबंधन के कई विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। विधायकों ने कहा है कि पुलिस कर्मियों से डर है कि किसी भी समय उनकी पिटाई ना कर दी जाए, इसलिए वे हेलमेट लगाकर आए हैं। इस दौरान आरजेडी के विधायकों ने पंपलेट लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी के विधायकों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुप हैं और तमाशा देख रही है। सत्र के दूसरे दिन आरजेडी बिहार में अपराध, कोरोना महामारी, भ्रष्टाचार, अस्पताल, बेरोजगारी, शिक्षा, बाढ़ और महंगाई आदि मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। खुद आरजेडी के विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने फेसबुक लाइव आकर सोमवार को ये बातें कही थी। जहां तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनके छोटे भाई जब विरोध में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। यह गौरतलब है कि मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बिहार विधानमंडल के बाहर विपक्ष के विधायकों ने काला मास्क पहनकर विरोध जताया था। यह सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। आरजेडी के विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर पहुंचे थे। कई और विधायक भी हेलमेट में दिखे। यह कल भी ये नजारा दिखा। दोस्तों हर रसोई तक गैस पहुंचाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की मुहिम महंगाई की भेंट चढ़ गई है। जहां गैस के बढ़ते दामों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दम निकलकर रख दिया है। जहां एलपीजी की कीमतें लगभग दोगुने हो जाने से उज्ज्वला कनेक्शन धारक सिलेंडर रिफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को बेहतर ईंधन उपलब्ध कराने का सपना अधूरा है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार चूल्हे पर उपले और लकड़ी के सहारे ही भोजन बनाने को मजबूर है। जी आज भी ये सिस्टम लागू है। इससे उठने वाला धुआं उनकी सेहत और आंखों को प्रभावित करता है। इसी के चलते साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत करोड़ों परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए। इससे गरीब परिवारों की रसोई तक बेहतर ईंधन पहुंच गया। लेकिन लगातार गैस की बढ़ती कीमतों के चलते एक बार फिर से ये परिवार चूल्हे पर धुएं के बीच खाना बनाने के लिए मजबूर है। जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला था, उसके बाद केवल दो बार ही ज्यादातर महिलाएं गैस सिलेंडर दोबारा भरवा पाया। बाद में कीमतें इतनी बढ़ गई कि गैस में खाना बनाना संभव नहीं हो रहा। यह सीमांचल की एक महिला जिसका नाम सुनीता देवी है, उन्होंने कहा कि लगभग 3 साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिला था, तब सिलेंडर भरवाने पर आधे रुपए खाते में वापस आ जाते थे। जी अब तो पूरे रुपए देने पड़ते हैं, जो दे पाना मुश्किल है। वहीं एक महिला जिसका नाम सावित्री देवी है, उन्होंने कहा कि हर महीने घरेलू गैस पर दाम बढ़ जाते हैं। जहां पहले खाते में रुपए वापस आ जाते थे, लेकिन अब तो वह भी बंद हो गया है। जहां मजबूरी में लकड़ी से चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है। विमला देवी महिला ने कहा है कि सरकार ने फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। ऐसे में गरीब परिवार गैस सिलेंडर भरवाने की सोच भी नहीं सकते। दोस्तों एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम की नाराजगी की खबरों के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक सनसनीखेज दावा करके पटना के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। जहां भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ही गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। जहां उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए में खेला शुरू हो गया है। गौरतलब है कि परसों विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुलकर एनडीए से अपनी नाराजगी जताई थी। जहां मुकेश सहनी अपने विधायकों के साथ पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसी बैठक में जाने से क्या फायदा जहां उनकी सुनी ही नहीं जाती हो। जहां मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि अब उनके और जीतन राम मांझी के लिए सोचने का वक्त है। जहां हालांकि एनडीए की बैठक का बहिष्कार करने के बाद से मुकेश सहनी भाजपा के साथ साथ अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। जहां कल भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा था कि सहनी यानी कि मुकेश सहनी के जाने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां इसके बाद वीआईपी के विधायक डॉक्टर राजू सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जहां विधायक राजू सिंह ने कहा है कि एनडीए की बैठक में शामिल न होने का निर्णय मुकेश सहनी का व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस फैसले को गलत बताया। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मोर्चा का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना था, ताकि नई सरकार मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 विवादास्पद कृषि कानून को निरस्त कर सके। जब किसान नेताओं ने कहा है कि हम सत्तारूढ़ भाजपा के साथ युद्ध में हैं और देश का एक भी किसान भविष्य में इस पार्टी को वोट नहीं देगा। हमारी सीधी सादी रणनीति उन लोगों को समर्थन देना है जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। हमने इसे बंगाल में भी किया है और 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे दोहराएंगे।
जब पिछले 8 महीनों से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जब किसानों के संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को लखनऊ में ये घोषणा करते हुए इसका नाम मिशन यूपी और उत्तराखंड रखा है। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी रैली से आंदोलन शुरू करेगा और इसके बाद राज्य के हर इलाके में इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंदोलन के दौरान किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी यानी कि एमएसपी की गारंटी और यूपी और उत्तराखंड से जुड़े अन्य मुद्दों की मांग उठाएंगे। जी हां, भारतीय किसान नेता के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 3 कृषि कानूनों में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है, यह प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा झूठ है। 3 कानूनों में से एक में कहा गया है कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉर्पोरेट स्कीम से खाद बीज कीटनाशक उपकरण आदि खरीदने होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना तो सदन चलने दे रही है और न ही चर्चा में भाग ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 पर जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया और अन्य दलों को आने से रोका। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस के इस काम को जनता के सामने एक्सपोज करें। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि 16 अगस्त के बाद आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सरकार की 8 योजनाओं की जानकारी दी। दोस्तों, इस बार पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से पारदर्शिता का इंतजाम किया जा रहा है। यह पहली बार किसी भी चुनाव में बायोमेट्रिक मशीन के उपयोग की तैयारी चल रही है। यह इससे मतदान करने वाले हर वोटर का पूरा डाटा कैप्चर हो जाएगा। यह ऐसी स्थिति में कोई भी पुरुष या फिर महिला का नाम या फिर पारदर्शनी बनकर मतदान करने आती है तो फिर उनकी उसी क्षण पहचान हो जाएगी, यानी कि उसी वक्त पहचान हो जाएगी। साथ ही कोई दबंग प्रत्याशी या उसका समर्थक भी किसी कमजोर का बोगस वोट नहीं गिरा सकेगा। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग शून्य होने की उम्मीद की जा रही है। जब बिहार में पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6 पदों यानी कि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाना है। बिहार निर्वाचन आयोग पहली बार करीब 2.5 लाख पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में स्वच्छता मतदान की व्यवस्था करने जा रही है। बायोमेट्रिक मशीन के लग जाने से अब कोई भी दबंग प्रत्याशी या फिर उसका समर्थक मतदाताओं के वोट नहीं डाल सकता है। अगर वह बोगस मतदान की कोशिश भी करेगा तो फिर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उसकी पहचान कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन में मतदान करने वालों की 5 प्रकार से पहचान दर्ज की जाएगी। ऐसे में कोई भी मतदाता दूसरी पंचायत में भी मतदान करने की कोशिश करता है तो एक बार उसके मतदान का डाटा कैप्चर हो जाता है तो वह कहीं भी बोगस मतदान नहीं कर सकता है। बिहार निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के सभी यानी कि बिहार के सभी 1,10,000 बूथों पर इस पंचायत आम चुनाव में बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से मतदान कराने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आपका बैंक का जरूरी काम अटका हुआ है तो फिर तुरंत ही निपटा लें, क्योंकि अगले महीने अगस्त में आधा महीना बैंक बंद रहेंगे। हालांकि देश भर के सभी बैंक 15 दिन नहीं बंद रहेंगे, क्योंकि आरबीआई की ओर से जो छुट्टी की लिस्ट दी गई है उसमें कुछ क्षेत्रीय छुट्टियां भी है, यानी कि उस दिन सिर्फ कुछ जगहों में ही बैंक बंद रहेंगे जबकि बाकी जगह खुले रहेंगे। अगस्त के महीने में कुछ जगहों पर लगातार 3 दिन तक बैंकों में छुट्टी रहेगा। 1 अगस्त 2021 को रविवार है, यानी कि अगस्त महीने की शुरुआत बैंकों की छुट्टी के साथ हो रही है। जहां इस दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। महीने की पहली तारीख को कई ट्रांजैक्शन ड्यू रहते हैं। इसके लिए आपका कोई भी बैंक का काम पेंडिंग हो तो फिर पहले ही निपटा लें। इसके बाद रविवार की छुट्टियां 8 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त और 29 अगस्त को पड़ेगी। अब बारी दूसरी और चौथे शनिवार की है तो 14 अगस्त और 28 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार पड़ेगा। इस दिन भी बैंकों का छुट्टी होगा, यानी कि रविवार की 5 छुट्टियां और शनिवार की 2 छुट्टियां मिलाकर 7 छुट्टियां तो सिर्फ रविवार और शनिवार की होगी, बाकी 8 छुट्टियां क्षेत्र के हिसाब से होगी। दोस्तों, सीबीएसई स्कूल 10वीं-12वीं के छात्रों को मनमाने तरीके से 95% से ज्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। जी हां, बोर्ड ने कहा है कि रेफरेंस ईयर में जिन छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे, इस साल भी उतने ही छात्रों को इतने अंक मिल सकते हैं। सीबीएसई के नए निर्देशों के मुताबिक संदर्भ वर्ष में यदि 4 छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे तो इस साल भी स्कूल केवल 4 छात्रों को ही इतने अंक दिए जा सकते हैं।
दोस्तों योगी सरकार द्वारा भारी बेइज्जती के बाद मंत्री मुकेश सहनी भारी गुस्से में हैं। वे अब यूपी का बदला बिहार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कल एनडीए की बैठक में अनुपस्थित रहकर इसका मैसेज भी दे दिया है। हालांकि बीजेपी मुकेश सहनी प्रकरण से बैकफुट पर आएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया था। जी हां, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने महागठबंधन से वॉकआउट करके तेजस्वी यादव को झटका दिया था। जी हां, महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी को अपना लिया। यह भाजपा नेताओं को लगा कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ बीजेपी में अपने कोटे से विधानसभा की 11 सीटें दे दी। यह मुकेश सहनी का जेडीयू से गठबंधन नहीं हुआ, बल्कि जिस तरीके से मांझी ने जेडीयू से समझौता किया, उसी तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी से समझौता करके विधानसभा की 11 सीटें ले ली। यह सिर्फ विधानसभा की सीटें ही नहीं, बल्कि हिस्से में विधान परिषद की एक सीट भी मिल गई। यह सारे भाजपा के नेता यह कहते नहीं थक रहे थे कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता है। तेजस्वी यादव ने एक अति पिछड़ा समाज के नेता का अपमान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही मुकेश सहनी अपनी सीट भी बचा पाने में सफल नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी पार्टी वीआईपी के 4 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए। वीआईपी के विधानसभा में 4 की संख्या ही आज की सत्ताधारी गठबंधन के लिए काफी अहम हो गया है। इसी संख्या बल के आधार पर मंत्री मुकेश सहनी सीधे बीजेपी के आइकॉन यूपी के सीएम योगी से टक्कर ले रहे हैं। बिहार विधानसभा में संख्या बल की बात करें तो कुल 243 सदस्यों वाले विधानसभा में 2 सीटें खाली है। जेडीयू के 2 विधायकों के निधन के बाद जेडीयू के पास फिर से 43 विधायक ही बचे हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 74, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4, वही वीआईपी के पास कुल 4 विधायक हैं। इस तरीके से वर्तमान में नीतीश सरकार के पक्ष में एक निर्दलीय मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन है। जहां इस तरीके से बड़ी मुश्किल से बिहार एनडीए में बहुमत का आंकड़ा जुटाया है। बिहार विधानसभा में अभी बहुमत के लिए कम से कम 121 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर मुकेश सहनी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो संख्या घटकर 122 पर आ जाएगी। जितन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक हैं, वे भी सहनी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए संकट और बढ़ सकती है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंचायत चुनाव के लिए जरूरत के अनुसार ईवीएम मंगाई गई है। यहां ईवीएम का अगले सप्ताह के अंत तक फर्स्ट लेवल जांच हो जाएगी। यहां चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार एफएलसी जांच के बाद ही ईवीएम चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना है। पंचायत चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होना है, जबकि पंच और सरपंच के चुनाव के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना है। वर्तमान समय में मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है। नए परमिशन के बाद पंचायत स्तर पर दोबारा से मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। उसी के आधार पर बूथों की संख्या का निर्धारण हो पाएगा। मतदान दल में 1 पीठासीन पदाधिकारी और 5 मतदान पदाधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 ईवीएम और 2 मत पेटी होने के कारण प्रत्येक 2 मतदान केंद्र पर 1 पीपीसी बनाया जाएगा। दोस्तों वाराणसी में हवाई अड्डे पर यूपी पुलिस द्वारा मंत्री मुकेश सहनी को रोके जाने की घटना ने तुल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला तो मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने भी पलटवार कर दिया। जी हां, उन्होंने बयान जारी करके कहा कि एनडीए में मुकेश सहनी के रहने या फिर नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई जनाधार ही नहीं है। लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों में वे पराजित हो चुके हैं, यानी कि हार चुके हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में वीआईपी के शामिल नहीं होने पर भाजपा सांसद ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए में रहे या ना रहे या फिर चले जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 5 साल तक यह सरकार चलेगी। दोस्तों बीजेपी को बिहार में झटका लगा है। यह धार्मिक न्यास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के स्टार प्रचारक गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे संत समाज का इस्तेमाल करके सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए करती है। यह सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मौजूदगी में शास्त्री कांग्रेस में शामिल हुए। यह मीडिया से उन्होंने कहा है कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जनहित का कोई मुद्दा दल के अंदर नहीं उठा सकती। जब वे संत समाज से अपने एजेंडे पर काम करने का दबाव बनाती है, जिसे संत समाज हमेशा से नकारता रहेगा। दोस्तों चीन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी यानी कि अपने ही मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखे शब्दों में सरकार से चीन को आक्रामक घोषित करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि क्या निर्बल बनी देखती रहेगी मोदी सरकार। एक ट्विटर यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि चीन की मंशा लद्दाख के डेम चौक पर कब्जा करने की है। इस बीच तालिबान और पाकिस्तान कश्मीरी घाट में हाथ आजमाएगा। क्या मोदी सरकार
निर्बल होकर देखती रहेगी। मोदी को खुले तौर पर घोषित करना चाहिए कि राष्ट्रपति सी जिनपिंग की सरकार आक्रामक है। जय सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर के जवाब में कई यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया है। दोस्तों देश में कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी भारत में 132 दिनों बाद कोरोना संक्रमण के 30,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 400 से अधिक लोगों की जान गई। जी हां, वहीं 42,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। जी इसके साथ एक्टिव मामलों की संख्या 124 दिनों के बाद 4,00,000 से भी कम हुई। जी केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,689 नए मामले सामने आए हैं। जी वहीं 415 लोगों की जान गई। इसके साथ ही 42,363 लोग ठीक हुए यानी कि डिस्चार्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 13,089 एक्टिव मामलों की कमी आई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 3,98,100 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 3,06,21,469 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, जबकि 42,138 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना के कुल पुष्ट मामले 3,14,40,951 हो चुके हैं। दोस्तों अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश मामले के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। यहां और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्याचार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्याचार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देकर संविधान का अपमान किया है। संजय सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा से सचेत रहने यानी कि बच के रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बहला फुसला कर उनका वोट हासिल करके सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद वे पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को लगातार छीन रही है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।